Welcome again, dear students. Good morning to all. We are going to learn 1.2, the fun they had. This is the first chapter of the 9th standard textbook. The fun they had 1.2, ये 9th standard के first chapter है. 1.1 में हमने Walk a Little Slower Daddy ये poem का मुताला किए थे. अब देखिए यहाँ पर कुछ एप्रोप्रिएट कॉलम्स और वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इसमें डिस्टिंग्विश करके लिखना है. कुछ वर्ड्स एंशियंट थिंग्स से रिलेटेड है, कुछ मॉडर्न से है, कुछ फ्यूचरिस्टिक थिंग्स से है, तो हमें इसे पढ़कर समझकर लिखना है. बाइसिकल्स है, व्हील्स है, बुलक कार्ट्स है, टार रोड्स है, बुलेट ट्रेन्स, रोबोट्स, हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस, स्कूल फ्लाइंग कार्स, टोंगा, होमवर्क. आप ये सब चीज़ें अपने तौर पर जे लिख सकते हैं. जैसे कि बुलेट ट्रेन्स तो मॉडर्न चीज़ें हैं, रोबोट्स फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, फ्लाइंग कार्स ये भी फ्यूचरिस्टिक है, बाइसिकल, व्हील्स, बुलक कार्स, टार रोड्स ये एंशियंट चीज़ें हैं, हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस, टोंगा हो ये सब एंशियंट चीज़ें हैं, होमवर्क अभी मॉडर्न चीज़ें हैं, स्पेसशिप फ्यूचरिस्टिक है, एरोप्लेन मॉडर्न है, कैमरास ये भी मॉडर्न है, फ्लॉपी डिस्क ये भी मॉडर्न है, अभी तो ये एंशियंट में चली गई है, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इसे डिस्टिंग्विश करके इस कॉलम में लिखना है. अब हम यहाँ पर द फन दे हैड इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने लिखा उस रात अपनी डायरी में जो पेज 17 में 2157 लिखा गया है, और उसने कहा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी को आज एक रियल बुक मिल चुकी है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये एक पुरानी बुक की कहानी बुक में से ली गई है. It was a very old book. ये बहुत ही पुरानी बुक थी. Margie's grandfather once said, मार्गी के दादा जान ने कहा, when he was a little boy, कि वो जब एक छोटे लड़के थे, his grandfather told, यानी मार्गी के grandfather के grandfather ने कहा, that there was a time, कि वहाँ पर एक time था, when all stories were printed on paper, कि सब कहानियाँ paper पर print की जाती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और उन्हें वरख उलटना पड़ते, पेज पलटाना पड़ते, which were yellow and crinkly, जो पीले पिलपिले और आवाज़ करने वाले फड़फड़ाने वाले सफ़े होते. And it was awfully funny, और बहुत ही वो मज़ा की बात होती, हंसने की बात होती, to read words that stood still, जिसमें जो लफ्ज़ है वो एक जगह साकित होते, एक जगह रुके होते, instead of moving the way they were supposed to, और वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते जैसा कि हमने तय हम समझते हैं. On a screen, you know, जिस स्क्रीन पर आप जैसे कि आज देखते हैं जो स्क्रीन पर मूव कर रहे करने वाले वर्ड्स हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट डैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. और वैसे ही अल्फाज दोबारा अगले पेज पर भी नज़र आते जैसे कि हमने पिछले पेज पर पढ़े थे, और वो पहली मरतबा आने वाले अल्फाज से मिलते जुलते होते. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब यहाँ गी ने कहा टॉमी से कि कितना ये बर्बादी की बात है. When you are through with the book, जब तुम ये बुक के थ्रू जा रहे थे, you just throw it away, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए.
तुम्हें तुम इसे फेंक देते, आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों की तैदाद में बुक्स हैं। ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वहाँ पर और बहुत सारी आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं उसे नहीं फेंकती। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसी ही बात है, सैड मार्गी मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडन्ट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड, वो 11 साल की थी और उसने उतनी टेक्स्ट बुक्स नहीं, टेली बुक्स नहीं देखी जितनी कि टॉमी देख चुका। ही वॉज 13, टॉमी 13 ईयर्स का हो चुका था। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, मैंने अपने से घर में पाया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, और उसने उंगली से इशारा किया क्योंकि वो पढ़ने में मशगूल था अपने एटिक की तरफ। व्हाट्स इट अबाउट, वो किस बारे में है, स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी हैरान हो गई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, वहाँ पर क्या है, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसे उससे पहले से भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन गो डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसे पहले से ज़्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जो टीचर मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिया करता, वो भी ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी मदर, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, वो बद से बदतर तरीन लोगों से करते जा रही थी, और उस वक्त तक जबकि उसके वालदा ने अपने गम से तंग आकर साउंड उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो एक छोटा सा आदमी था जिसका लाल रंग का चेहरा और एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, जिसके पास बहुत सारे टूल्स थे, विथ डायल्स एंड वायर्स, जहाँ पर डायल्स भी लगे हुए थे, वायर्स भी लगे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को उसने एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद उसने टीचर को अलग किया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी को उम्मीद नहीं थी कि वो उसे दोबारा बेहतर कैसे कर सके, यकजा कैसे कर सके। लेकिन वो जानता था हाउ ऑल राइट, कि सब कैसे सही हो सकता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और बाद एक घंटा या उसके बाद, दैट इट वॉज अगेन, दोबारा वो आए, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्ड। एक बहुत बड़ा स्क्रीन वहाँ पर नज़र आ रहा था जहाँ पर तमाम जो सबक थे वो नज़र आ रहे थे और जो सवालात पूछे गए वो भी नज़र आ रहे थे। डैट वॉजेंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और वो स्लॉट जिसमें मार्गी को होमवर्क करना था और टेस्ट पेपर्स देने थे, वो उसे बहुत ही नापसंद था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, और उसे हमेशा पंच कोड में उसे उन जवाबात को लिखना पड़ता जो उसने 6 साल की उम्र में सीखे थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर वो तमाम
नमरात को गिन लेता था, मार्क्स को गिन लेता था बग़ैर वक्त की बर्बादी किए। इसके बाद हम अगला हिस्सा अगले पीरियड में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हम कोशिश करेंगे इसी किस्म के बेहतर वीडियो आपके पास लेकर आएँ और आपको इन सबक को समझा सके, चैप्टर को समझा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं इसे भी वाज़े करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।